यूपी के बुलंदशहर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के घर पर दबंगों ने किया पथराव। पथराव में दो लोग घायल होने की सूचना। पथराव करते हुए दबंग लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। दबंग लोगों ने सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर के घर पर एक पत्थर बरसाते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो एक महिला चिल्लाती हुई दिख रही है, बोल रही है कि घर के शीशे फूट गए। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मेवाती नगला का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये घटना ये कल बच्चे मारे फिर मानने के पीछे पथराव हुआ फिर बताइए तीन माँ बेटा क्या पुलिस में शिकायत की गई है? हाँ शिकायत की है पुलिस में। शिकायत में दो गाड़ी आई है भर के पुलिस में। पापा भैया सब खेत पे है, गन्ना कट रहे हमारे ईख पे, हम पीछे सब चोट लगी मेरे भाभी के ईंट ईंट लगी, हम तो कमरा में बंद हो गए। लड़ाई ऐसे हुआ 5-6 बजे शाम को हुई लड़ाई, कोई भी ना हमारे घर पता नहीं ना कहा हुआ लड़ाई के, हम लड़ाई के पता था मखा हमारे घर सी सब फोड़े पूरे सी सब फोड़े और अंदर आ गए मानने के लिए सब भीतर घुस गए सब। दो तीन तो उस्मान टाउन के लड़का है, तीन तो उस्मान टाउन के, एक उस्मान टाउन, एक मैं हूं भोला और उनके शेरू जो शेरू और फकरुताओं के पोता फकरुताओं भूरा और बसीरताओं के सब रहे। पुलिस आई थी कुछ भी ना करा उन्होंने, कुछ भी ना कुछ भी ना, वो उल्टी हमें और धमका रहे, हमारे घर में आ रहे सारे और हमें मार रहे, हमारे शीशा फोड़ना ही पूरा, और हम पे और हमारे भैया पकड़ के ले गए, मेरे भैया बंद कर दिए कमरा में खींच के, फिर पीछे आए और दरवाजा खोल के भैया ही ले गए पकड़ के। पुलिस हमारी हमारे प्रधान